टोटल फिनिशेस मुझे लगता है कि इसे करना पड़ेगा 11 क्योंकि ओएस बोलते एक बार फिर से बोलते हुए दिखाई देंगे 4v3 का जो सिचुएशन है वो एक बेटर पोजीशन में नजर आ रहे हैं। फ्रैंकी स्पॉट होके डाउन हो चुके हैं। मैन एडवांटेज यहां पर जो है वो जाता हुआ लेकिन सेंसाई के ऊपर जाएगा ग्रेनेड कवितार के द्वारा और वो भी यहां पर डाउन हो जाएगा। जो फिनिश है वो भी जाएगा सिक्योर। नाउ इट्स अ 4v2। इमॉर्टल और पंक इनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। ग्रेनेड जो है वो यहां पे पिल ऑफ जरूर से किया गया। क्या कनेक्शन बनाएगा वो एक देखने वाली बात है कि बहुत ओपन में वहां पर आ रहे पंक ने स्पॉट करके एक पे को डाउन जरूर से किया है। ओवेस यहां पर मुश्किल में पंक बीइंग The solo man standing now. It's a 1v3 for Punk. Can he pull it off? Can he clutch it out? बहुत ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे रहने वाला है। 14 finishes team forever के पास और अब Punk के ऊपर तीन खिलाड़ी मार्चिंग करते हुए नजर आ रहे नहीं कर पाएंगे। Forever यहाँ पर लेकर के जाएगी आज के दिन का पहला winner chicken dinner. लेकिन इसी बीच team Exo versus team forever की जो fight है वो initiate हो चुके हैं। सविता यहाँ पर अभी के लिए लीड करते हुए लेकिन बहुत ज्यादा ओपन में आ चुके हैं। नॉक होके थे इंस्टेंट जो फिनिश है वो हमें देखने को मिलेगा। एक अच्छा ग्रेनेड वहां पे इमॉर्टल ने खूब जरूर
किया है, बट सामने की साइड पे एक और ग्रेनेड आएगा तो शायद मुश्किल हो सकती है। फ्रैंकी के एचपी बहुत ज्यादा कम हुए, फिर इसकी बात के एक और ग्रेनेड ऊपर के साइड पर उन्होंने किया जरूर है और ये वाला हिट करेगा। फ्रैंकी डाउन होते हुए बदला लेने का पूरा मौका, एक और ग्रेनेड जाता हुआ ओवेज भी उस ग्रेनेड से पड़ जाएंगे। मैक्स काश आखिरी प्लेयर बचेगा और मुझे लगता है मैक्स काश भी ग्रेनेड से ही पकने वाले, बहुत ज्यादा क्लोज, उनके ग्रेनेड फटा जरूर था बट बच गए, बट मुझे लगता है किसी के साथ जो बदला है वो जरूर पूरा होगा। यस बिल्कुल पूरा होगा, बट किस तरीके से यहां पे एक जोन एलिमिनेट करा, बहुत बढ़िया प्रदर्शन के द्वारा देखने को मिलता है। और फिलहाल के लिए राइवलरी वर्सेस टीम एक्स पाक की जो फाइट है वो भी हमें देखने को मिलेगी। राइवलरी का एक बार फिर से खराब प्रदर्शन, अभी के लिए सबसे ज्यादा खराब सिचुएशन में हमें टीम सोल जरूर से देखने को मिलते, क्योंकि अगर हम बात करें पोजीशन वाइज तो उनको दो टीम से एक साथ लड़ाई लेनी पड़ेगी। गॉड ने मीनवाइल वहां पे टीम ओरंगटन के एश को स्पॉट करके डाउन किया है, जो फिनिश है वो भी हो जाएगा सिक्योर। टीम एक्सो की बात करें तो पंक वहां पे डाउन हो जाएंगे, जो फिनिश है उनका भी सिक्योर कर दिया जाएगा। मवी के द्वारा वहां पे इमॉर्टल को स्पॉट करके डाउन कर दिया। मवी यहां पर काफी देर बाद कमबैक करते हुए, लेकिन जहां से पिछले मैच को उन्होंने छोड़ा था लीग स्टेज में, वहीं से यहां पर जो शुरुआत है वो उन्होंने की है काफी बढ़िया। यहां पर जो प्रेडिक्शंस है वो हमें देखने को मिलते हैं, सोल के जो युवा है उनका भी जो फिनिश है वो सिक्योर हो जाएगा। जी बिल्कुल, स्काउट सामने मौजूद जरूर है। गिल की बात को यहां से निकलने की कोशिश करेंगे, वीरू आखिरी प्लेयर बचे हुए थे, जोन के बाहर खत्म हो जाएंगे। इसी के साथ सोल का एलिमिनेशन, टीम से एक्सो का भी मुझे लगता है एक ही प्लेयर बचा हुआ, बट गिल का एक बढ़िया ग्रेनेड आता हुआ निंजा को वहां पे डाउन जरूर किया गया। एक और ग्रेनेड बट वाले इकोनॉक्स भी स्काउट के द्वारा खत्म होते हुए, स्काउट एक बार फिर से अपने फॉर्म में आपको दिखाई देंगे। बट नियो की बात करें, विलीव आ जरूर रहते गाड़ी लेके बट उसको भी रोका गया। इसी के साथ टॉप थ्री टीम आप देखें मात्र स्प्रेड होकर के खेल रहे हैं, तो पोजीशनिंग वाइज यहां पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग टीम गॉडलाइक हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें टीम एक पार्क की साइड से, यहां पर एक बढ़िया जो स्लैमिन है वो हमें देखने को मिल जाएगा। ये मुश्किलें बढ़ा सकता है टीम गॉडलाइक की। टीम एक पार्क को ही पता है कि अगर यहां पे इस मैच में वापस आना है तो ये जो पोजीशन है टीम गॉडलाइक की वो उनको लेनी पड़ेगी। क्लच गॉड को स्पॉट किया गया, नियो के ऊपर भी स्प्रे जाएंगे, लेकिन यहां पर एक भी खिलाड़ी को डाउन करने में कामयाब नहीं। स्काउट वर्सेस जॉनथन हमें यहां पर ये देखने को मिल सकता है। लेट्स सी कि क्या यहां पर जो नॉक है वो आएगा। जॉनथन अभी के लिए ग्रेनेड जो है वो कुक कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें टीम एक पार्क की तो उनकी जो पोजीशनिंग है काफी ज्यादा कम एरिया में सारे के सारे जो खिलाड़ी है वो हमें देखने को मिल जाएंगे। टीम गॉडलाइक के चारों खिलाड़ी अभी भी सरवाइव कर रहे हैं और अब जो ग्रेनेड का आदान प्रदान है वो हमें देखने को मिल सकता है। जॉनथन एक और ग्रेनेड यहां पर कुक करते हुए क्या कनेक्शन बनाने में कामयाब हो पाएंगे। क्लच गॉड को मीनवाइल यहां पे स्पॉट करके डाउन कर देगा मवी के द्वारा और अब टीम एक्स पार्क यहां पे जरूर से क्लोज इन कर सकते हैं। मवी अभी भी पीछे के साइड से कवर देते हुए नजर आ रहे हैं, यहां पे जॉनथन को डाउन कर दिया गया। स्काउट के द्वारा जो फिनिश है वो यहां पे सिक्योर किया जाएगा। टीम गॉडलाइक अभी के लिए एक एक करके बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। टीम एक्स पार्क अभी के लिए ग्रैंड पेज पर हमें जरूर से देखने को मिल जाएगी। रिवाइवल का यहां पे चांस नहीं दिया जाएगा। इन टीम गॉडलाइक से दो ही प्लेयर सर्वाइविंग, नियो एंड डी गॉड। जी बिल्कुल, इंडिया के दो सबसे बेहतरीन प्लेयर्स के बीच में हमने 1v1 का यहां पे सिचुएशन देखा। स्काउट थोड़ा सा आगे जाते हुए हमें दिखाई दिया बट रॉनक की बात करें उनको भी डाउन किया गया नियो के द्वारा। डेस्टो की बात करें वो भी यहां पे डाउन हो जाएगा बट नियो खुद भी डाउन हुए। जॉनथन खत्म हो चुके हैं, दो प्लेयर बचेंगे यहां पे बट नहीं, इसी के साथ एक और प्लेयर खत्म होता हुआ स्काइलाइट गेमिंग का लास्ट प्लेयर सर्वाइव करेंगे। बट जी गॉड की बात करें वो भी अकेले प्लेयर यहां पे बचे हुए। टीम एक्स पार्क की स्क्वाड को आप देखें एक पूरा डोमिनेशन हमें देखने को मिलेगा। 11 फिनिशर्स उनके नाम है, मुझे लगता है ये मरा हुआ भी जल्द उनके नाम आने वाला बट स्काउट सीधा आगे आपको निकलते हुए दिखाई देंगे। स्काउट वर्सेस जी गॉड होता है, स्काउट एक बार फिर से आगे निकलेंगे। जी गॉड को उन्होंने डाउन किया, 12 फिनिशर्स करिए उसको। कमला बॉय आखिरी प्लेयर बचे अपनी टीम से बट नहीं, उनको भी खत्म किया गया। क्या स्काउट ही थे बट नहीं, मा भी थे, उन्होंने आखिरी प्लेयर को खत्म किया और इसी के साथ पूरी स्क्वाड स्काईलाइट गेमिंग की खत्म हुई। बड़ा आप स्काउट को देखें, आप टीम एक्स पार्क को देखें। व्हाट रौनक स्काउट के ऊपर से गाड़ी चलाते हुए निकल तो गए हैं, देखना पड़ेगा कि पूरी तरीके से फिनिश करेंगे या फिर नहीं। बट गिल वो यहाँ पे स्काउट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है यहाँ पे रौनक निकल जाए उनके लिए ज्यादा सही रहेगा क्योंकि पीछे से सपोर्ट के लिए अल्ट्रॉन एंड मावी पूरी तरीके से तैयार है। बट गिल ने जो चीज यहाँ पे करी है देखकर, बट रौनक एक बार फिर से आ रहे हैं, स्काउट को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पे गिल निकल चुके थे, वापस से गिल यहाँ पे आते हुए और ये बग्गी वाली जो सिचुएशन नहीं स्काइलाइट गेमिंग के बाकी भी प्लेयर यहाँ पे आ गए गाड़ी लेके और डेस्ट्रो के पास उजी थी और उजी से ही यहाँ पे स्काउट को फिनिश किया गया। कैसे इनिशियल रश उनके लिए अच्छा होगा नहीं बट सेंसे सावितार की ये फाइट किस तरीके से चलने वाली है। ड्रॉप शॉट वहां पे लिया था बट नो, ये सिचुएशन थोड़ी सी
मुझे जी बिल्कुल बड़ा अल्ट्रॉन को देखे वो कहां पे मौजूद है इस वक्त। एक ग्रेनेड आगे के साइड पे गया था, दो प्लेयर ओजी के डाउन हो चुके, मुझे लगता है एक आखिरी प्लेयर उनका सर्वाइव करेगा जो कि काफी ज्यादा दूर है अपनी टीम से। एक और ग्रेनेड आता हुआ, स्मोक आता हुआ, बड़े परफेक्ट ग्रेनेड गिरता हुआ अकेला अल्ट्रॉन के बगल में, बट नहीं थोड़ा सा दूर हो गए। चलिए दो प्लेयर यहां पे मौजूद है, बट नहीं वो ग्रेनेड कनेक्ट करेगा, क्या गिल ने 1v4 करा ग्रेनेड से, बट नहीं अल्ट्रॉन से। चलिए गिल को यहां पे तीन फिनिशेस मिलेंगे। आदित्य की बात करें मावी को डाउन करने में कामयाब हो जाएंगे, अभी वो खत्म हो चुके हैं। सोलह के लिए गोल्ड की मुश्किलें थोड़ी सी ज्यादा बढ़ती हुई थी, वहां पे डाउन हुई थी, इसी के साथ खत्म हो चुके हैं। गॉडल काफी ज्यादा मुश्किल उनके लिए बढ़ चुके हैं। क्लच गॉड की बात करें वो भी खत्म हो चुके हैं, मुझे लगता है जॉनथन एंड जी गॉड दो प्लेयर बचेंगे अपनी टीम से। दूसरे साइड पे बात करें वीरू, उन्होंने वेज बोलते को डाउन किया, एंड वीरू की बात करी जाए वो खुद भी यहां पे डाउन हो जाएंगे टीएसएम के प्लेयर्स के द्वारा, बट प्ले जोन से उनको डैमेज अभी भी पड़ने वाला है। साथ साथ में अगर हम बात करें टीएसएम की, वो यहां पर सोल की दिक्कतें और बढ़ाते हुए डेथ नोट को अगेंस्ट वहां पर डाउन किया था एंड कंफर्म भी कर दिया गया। इसके पास सिर्फ दो व्हीकल का कवर है, नीचे की तरफ प्रेजेंट है, ये एक अच्छी चीज लग नहीं रही है मुझे। मैं इसी चीज की चर्चा कर रहा था, ये होना ही था। हैदराबाद हाइड्रास जो कि शुरू से वहां पर टॉप पे बैठे हुए उसका पूरा फायदा उठाते हुए स्ट्राइकर वहां पर एक और प्लेयर को डाउन करते हुए, गाड़ियां शायद चढ़ने वाली हैं, दिक्कतें शायद बढ़ने वाली हैं। अभी बचे बट कितनी देर तक एटलेस वहां पर रिवाइवल कंप्लीट नहीं कर पाए थे, इवन सूर्य अभी प्लेयर को वहां पर स्पॉट करने की कोशिश करते हुए, जी हां स्पॉट किया, खत्म किया। इसी के साथ साथ MYM एलिमिनेट होती है, बट टीम एक्सपार्क वर्सेस TSM इनकी फाइट चलने वाली मौजूद है। दो प्लेयर खत्म हो चुके हैं, मावी बहुत पहले खत्म होते, अल्ट्रॉन को खत्म किया जाएगा, गेल अकेले प्लेयर सर्वाइव करेंगे अपनी टीम से, देखते हैं कितना दूर तक अपनी टीम को लेके जा सकते हैं। फिलहाल के स्मोक उन्होंने किया जरूर, अपने आप को बचा के रखने की कोशिश करेंगे। एक और ग्रेनेड आता हुआ गिल की तरफ से, पर दूसरे साइड पे निंजा भी है जिनका ग्रेनेड आपको देखने को मिलेगा। गिल की बात, एक और ग्रेनेड करने की कोशिश, बट नहीं ग्रेनेड आप छोड़िए, वेपन से नॉक निकालते हुए नजर आएंगे। शैडो को वहां पे डाउन किया गया, एक बार उसकी बात करें वो भी यहां पे डाउन कर दिए गए, बट नहीं पीछे से शॉट आता हुआ रेकनिंग की स्क्वाड, दो प्लेयर रेकनिंग ईस्पोर्ट्स पीछे से पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करते हुए टीम एक्सपार्क को एलिमिनेशन हुआ ग्राउंड में पायदान पे। बट यूडॉग इंडिया उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि सामने जो स्क्वाड है उनसे बच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल, और ये जो प्लेयर है इनसे बच पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा जरूर के लिए। मिस्टेक आखिरी प्लेयर बचे हुए अपनी टीम से, देखते हैं कितना आगे लेके जा सकते हैं। 1v1 का यहां पे सिचुएशन हो तो मिस्टेक ने डाउन किया जॉनथन को, ज़िगॉड अकेले बचेंगे अपनी टीम से, क्या यहां पे रिवाइवल के लिए वो जाना पसंद करेगा, बट मिस्टेक नीचे मौजूद है, 1v1 का सिचुएशन डाउन करेंगे ज़िगॉड। इसी के साथ यूडॉग इंडिया टीम गिरा, बट स्ट्राइकर भी सर्वाइव कर जाएंगे। जॉनथन यहां पर स्प्रे उनका रुक नहीं रहा, एक और जॉनथन ग्रेनेड एंड कैरी यहां पर डाउन होते हुए, अगर एक और ग्रेनेड आता है तो यहां पर हैदराबाद हाइड्रास की दिक्कतें पड़ेंगी। जी हां बिल्कुल, कैसे बच गए हैं अभी के लिए, बट जॉनथन का स्प्रे वो भी बात हो रही है, एक और ग्रेनेड आता हुआ, कितने ग्रेनेड्स लेके यहां पर जॉनथन आए हुए हैं। इसके साथ साथ हैदराबाद हाइड्रास खत्म होती हुई गॉड लाइक जॉनथन यहां पर करते हैं 1v2। वीएस की बात करी जाए, ग्रेनेड उन्होंने किया और वो ग्रेनेड यहां पे कनेक्ट होने वाला है, ब्लेज एंड शैडो दोनों डाउन किए गए। सेंसाई की बात करी जाए, उन्होंने भी शायद ग्रेनेड किया जरूर था, बट पंक वहां पे जो दोनों नॉक्स थे उसे फिनिश में तब्दील करेंगे। दो पंक अपने आए गए उनका पूरा फायदा उठाया, दो प्लेयर्स को कंफर्म किया, अब यहां पर जोन के अंदर आना शुरू हो चुके हैं अपनी टीम के साथ रीग्रुप करते हुए। ज़िगॉड वहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत में नजर आ रहे हैं, मैडमैन की हेल्थ बहुत ज्यादा कम है, बट जॉनथन वहां पर जलते हुए नजर आ रहे हैं। अभी के लिए हील जो है वो करना पड़ेगा, ज़िगॉड भी पीछे की तरफ गए, अगर CG7 की तरफ से एक ग्रेनेड आता दिक्कतें बढ़ जाएंगी। मैडमैन वहां पर जॉनथन के ऊपर नॉक निकालते हुए, ज़िगॉड अभी के लिए 1v1 के सिचुएशन में है एंड यहां पर डाउन भी कर देंगे कंफर्मेशन निकालते हुए। एक जो फिनिश है वो जरूर कंफर्म किया, बट यहां पर मार्कोस गेमिंग फाइनली फाइट में आते हुए ग्रेनेड निकालने की अगर मैं बात करूं क्षमता की वो बहुत ज्यादा होने वाला है, एंड यहां पर इसी चीज की मैं चर्चा कर रहा था। निंजा जॉट को डाउन कर दिया, एक्वा नॉक स्पॉटेड है एंड कुछ कर ही नहीं सकते, एक्वा कहीं जा ही नहीं सकते हैं, उनकी थाली में डाल दिया कि आइए और ले जाइए। एक्सो अपना बेहतरीन प्रदर्शन निकाल के यहां पर डाउन करेगी। 3v2 का यहां पे सिचुएशन होता है, हर एक प्लेयर को देख सकते हैं, सामने के साइड पे पंग निकलने की कोशिश कर रहे हैं, मॉर्टल उनकी भी एचपी काफी ज्यादा डाउन है, बट CG7 को ध्यान रखना पड़ेगा कि वो यहां पे डाउन ना हो। चलिए मॉर्टल भी CG7 के द्वारा डाउन किए गए, और इसी के साथ मुझे लगता है लगभग आउट ओपी पायलट बनते हुए नजर आएंगे इस पर्टिकुलर प्लेन पाथ के। फिलहाल के लिए गिल, स्काउट ओपी, अल्ट्रॉन एंड मावी खेलते हुए नजर आएंगे। क्लाउन जॉके ईवो को डाउन किया एंड साथ साथ में कंफर्म भी कर दिया है। फाइनली सावितार का एक ग्रेनेड जाता हुआ एश को वहां पे डाउन किया गया, एंड जिस चीज की आप बात कर रहे थे एक नॉक आएगा एंड पूरा रश हमें देखने को मिलने वाला। ड्रिगर को जो गैस कैन उन्होंने बिछाया था, क्या वहां पे कामयाब हो इसका एक बहुत बढ़िया यहाँ पे शॉट आता हुआ क्राउच, उसके बाद शॉट क्राउच एंड शॉट, वहां पे पंजे का भी इस्तेमाल करा जा रहा था, बट चलिए पंजा थोड़ा सा सूर्य जिनके पास एक बढ़िया एंगल था, जिनके पास पोजीशन थी, वो पोजीशन इस वक्त उन्होंने छोड़ दी और उसका खामियाजा जरूर उनको यहाँ पे भुगतना पड़ेगा। दो प्लेयर डाउन है टीम फॉरएवर के, सामने अगर बात करी जाए तो मैन टीम उस पर अकेले बचे हुए अपनी टीम से, देखना पड़ेगा। साबितार वहां पे अपने आप को हील करते हुए दिखाई दे रहे। टीम हैदराबाद हाइड्रास के पास
बहुत अच्छा मौका था बट वो पूरा मौका उन्होंने गवा दिया। खासकर हेमिल सूर्या जिनके पास एक अच्छा एंगल था, सविता आखिरी प्लेयर बचे हुए थे जो मैंटी उनको खत्म करेंगे, इसी के साथ पूरी स्क्वाड खत्म और 8 फिनिशेस टीम फॉरएवर के पास देना चाहिए। बट सोनिक ने यहाँ पे शुरुआत कर दी बट मुझे लगता है थोड़ा सा लेट जरूर हुए। बट चलिए जी गॉड वो भी यहाँ पे डेल्टा पीजी के द्वारा डाउन किए गए। दो प्लेयर इस वक्त गॉड लाइक के डाउन है और राइवलरी डेल्टा पीजी की बात करें वो शायद खत्म होने के कगार पे। आई थिंक एक चीज जो राइवलरी ने वहां पर डिले किया, पूरा इन्फॉर्मेशन चाहते थे कि चारों प्लेयर्स कहां पर हैं क्योंकि उनको पता था कि वो भी ओवर एक्सपोज्ड हैं। जैसे ही यहां पर दोनों यहां पर खोया है बट जिस तरीके से सर्कमस्टांसेस थे, जो हालात थे, मुझे ऐसा लग रहा था मे बी गॉडलाइक खत्म भी हो सकती है क्योंकि चारों प्लेयर वहां पर मार से फाइट हुआ। फिर यहां पर अभी फिर से एक और फाइट में एंगेज हो चुकी है टीम एक्सपी की तरफ से आ रहा है। पंख वहां पर स्पॉट किया गया, एक बुलेट वहां पर कनेक्ट हुआ, अगला बुलेट भी कनेक्ट करते हुए इसी के साथ साथ पंख होते हुए खत्म। नगेट्स जरूर मावी के द्वारा डाउन किए जाएंगे, एक्सपार्क यहां से निकल जरूर है। विशाल की बात करें उन्होंने वेस्ट को डाउन किया बट गेल खुद भी डाउन किए जाएंगे। जाते उन्होंने हाइड्रा को भी यहाँ पे पूरी तरीके से एलिमिनेट करा। बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहा था मैं चीज, वहां पर हाइड्रा को खत्म किया गया बट एक ही दम से वहां पर आए टीम फॉरएवर एंड उन्होंने टीम एक्सपा को खत्म किया। चलते स्प्रे में वहां पर स्काउट सामने आ गए थे, उनको किया गया था खत्म। एक प्लेयर को जाते जाते उन्होंने नॉक भी करा था मिस स्प्रे, आखिरी प्लेयर बचे हुए थे उनको भी खत्म किया गया। जेली वो भी खत्म हो जाएंगे। 12 टोटल फिनिशेस इस वक्त टीम फॉरएवर के पास। यहाँ बिल्कुल 12 टोटल फिनिश हुए, इसको फाइनली वहां पर स्पॉट किया गया। विशाल उनको डाउन करें कंफर्म करने के लिए भी जाते हुए बट टीम फॉरएवर ऐसा लग रहा था मे बी इनके सामने कोई टीम टिक ही नहीं सकती है बट राइवलरी अभी भी किसी तरह से अलाइव है। दो प्लेयर्स इनके पास है, उन्होंने टीपी भी ले रहे हैं, उन्होंने स्पॉट नहीं किया वहां पर सविता को, सविता की तरफ से स्प्रे आया बट अभी के लिए कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। एक और स्प्रे एंड इसी के साथ साथ राइवलरी हो जाती है खत्म। अब यहां पर सविता क्रूज कर रहे हैं एमवाईएम की तरफ एंड इस खिलाड़ी को रोकना आज बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। पहला नॉक फाइनली उनको एक्सिट डाउन करते हुए बेहतरीन ड्रॉप शॉट आया। अभी के लिए एमवाईएम के पास दो प्लेयर्स बचे हुए हैं कंफर्मेशन आते हुए बट मैक्सकश की अगर हम बात करूं वो अभी भी अलाइव है, क्या वो यहां पर अपनी टीम को बचा पाएंगे? एक 1v2 का सिचुएशन है, मैक्सकश यहां पर बाहर आना पड़ेगा बट जी नहीं अभी के लिए होल्ड करते हुए ओ यहाँ पर रिवाइवल हो जाएगा एंड उसके बाद मैक्सकश दिक्कतें बढ़ जाएंगी। 1v3 के सिचुएशन में है ऐसा लग रहा है एमवाईएम में भी यहाँ पर विना विनर चिकन डिनर लेके जाने वाली है। जी बिल्कुल और लेके जा भी चुकी है क्योंकि मैक्सकश वहां पे हील बैटल करने में नाकाम है। अगर अपने आप में ये खिलाड़ी जो है वो रहता है हर बार हम देखते हैं, क्या इस बार भी रहेंगे वो देखने वाली बात जरूर से लेगी। लेकिन अगर हम बात करें हाइड्रा को भी लाने चाहते थे बट एट द सेम टाइम जो रिज है हाइड्रा के पास उसका पूरा फायदा मिलेगा। एक प्लेयर रिवाइव हुआ बट वहां पर दूसरे प्लेयर को नॉक कर दिया गया इस बार ऋषभ डाउन जाते हुए बट जस्ट बिकॉज 2-2 का स्प्लिट था अभी के लिए रिवाइवल कर लेंगे। साथ साथ में राइवलरी एक बार फिर से डिसएंगेज करते हुए नजर आ पर नॉक आउट जरूर से थे लेकिन उनको रिवाइवल मिल जाएगा। क्लच गॉड यहां पे वीकर लेकर के जाएंगे, एक बढ़िया चाहता हुआ नियो हो जाएंगे डाउन और अब टीएसएम जो है वो थोड़ा सा बढ़िया स्थिति में नजर आ रही है। लेकिन अभी भी एक 2v3 का सिनेरियो देखना ही पड़ेगा कि जो इन्फोर्समेंट है वो किसी देर आता है। ग्रेनेड जो है वो कुक कर रहे थे और कुक करते ही रह जाएंगे। इकोनॉक्स को कर दिया जाएगा डाउन। टीएसएम यहां पर थोड़ा मुश्किल में, शैडो जरूर से यहां पर क्लोज इन कर चुके हैं। ब्लेड यहां पे आगे की तरफ जा रहे लेकिन गॉड लाइक के दो प्लेयर डाउन हो चुके हैं। लॉल्स यहां पर एक बढ़िया नॉक निकालेंगे और अब जो एनक्लोजर है वो हमें देखने को मिल जाएगा। जी गॉड और लॉल्स ये दो खिलाड़ी के कंधे पे पूरी जिम्मेदारी। जी गॉड ऊपर की तरफ जाएंगे, पहले रिवाइवल जो है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। टीएसएम मुश्किल स्थिति में नजर आते हुए हालांकि खिलाड़ी उनके एक ही अभी नॉक डाउन है, क्या रिवाइवल रुपया वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन इसी के बीच एक और बढ़िया ग्रेनेड जो है वो जाएगा टीम गॉड लाइक मुश्किल में नजर आते हुए। जी गॉड सोलो मैन स्टैंडिंग एलिमिनेट किया गया, टीम गॉड लाइक एलिमिनेशन 15वें पायदान पे टीएसएम के खाते में जाते हैं। अभी के लिए रुकने का नाम नहीं ले रहे, ईवो को उन्होंने फिनिश कर दिया, वेक्सी को डाउन कर दिया। टीम ऑरेंज रॉक वर्सेस टीम यू डॉग, ये एक फाइट इनिशिएट हो चुकी है। देव यहां पे अभी के लिए आगे की तरफ जाएंगे, स्पॉट कर चुके हैं जेली को और अगर हम बात करें जेली की उनकी एचपी काफी ज्यादा कम है। पीछे से आदित्य जो है वो जरूर से कवर फायर देते हुए नजर आ रहे हैं। टीम यू डॉग एक बार फिर से एक बढ़िया स्थिति में हमें यहां पर जरूर से नजर आएंगे। लेट्स सी यहां पर क्या होता है। जेली अभी जेली को वो कवर फायर दे रहे हैं, मिस्टिक की पोजीशन रिवील्ड है, पे जाएंगे मिस्टिक को जाएंगे डाउन और अब यहां पे जो बाकी के प्लेयर्स हैं वो भी क्लोज इन करते हुए आदित्य को डाउन करना बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। यहां पे देव जो है वो काम कंप्लीट कर देंगे। टीम ऑरेंज रॉक से सोलो मैच स्टैंडिंग बचते हैं। चली कुछ खास ऑप्शन उनके पास बचेगा नहीं। टीम यू डॉग एक के बाद एक यहां पे पूरी की पूरी जो लॉबी है उस पे तबाही मचाते हुए एक और स्क्वाड वाइप हमें देखने को मिल जाएगा टीम यू डॉग की साइड से एंड दे आर प्रूविंग व्हाई दे डिजर्व टू बी इन द टॉप 16। 8वां फिनिश पॉइंट टाइम जो यू डॉग के प्लेयर्स हैं वो रुके नहीं बट अगर हम रुकने की बात करें तो टीम फॉरएवर वो
बिल्कुल भी नहीं रुक रहे हैं, बट पुकार उस सबसे बेहतरीन प्लेयर थे, 1v1 का फाइट एंड मैक्सिमम फाइट को काफी अच्छे तरीके से निकालेंगे। पुकार को वहां पर डाउन कर दिया, स्काईलाइट गेमिंग बहुत ज्यादा मुश्किलों में नजर आती हुई, पुकार को खत्म किया गया। डेस्ट्रो अपने टीममेट से बहुत ज्यादा दूर, किसी प्रकार का कोई भी कवर यहां पर नहीं, इंपॉर्टेंट डैमेज पड़ता हुआ। साथ साथ में आई थिंक हैदराबाद हाइड्राज को सोल ने एलिमिनेट कर दिया है, एक एक करके डैमेज पड़ा था। टीएसएम ने दो कंफर्मेशन निकाले थे एंड फिर रॉक्स की तरफ से आखिरी कंफर्मेशन आया, रॉक्स अपनी टीम को टॉप 12 में लेके जाते हुए साथ साथ में एक फिनिश पॉइंट भी उनके खाते में जाता हुआ। बिल्कुल, टीम सोल के लिए यहाँ पर जो आन बान और शान का काम है वो भी क्लियर रॉक्स करते हुए नजर आएंगे। टीम एक्सो थोड़ा सा यहाँ पर पत्ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो दूसरी चुनौती है वो इनके बहुत ही ज्यादा करीब, और ये अभी एक दूसरी फाइट में इन्वॉल्व है। लेकिन एक्सो पंक की साइड से क्या बेहतरीन स्प्रे आएगा, मवी द मैन विद द गोल्डन हैंड हम हर बार उनको बोलते हैं, एक बार फिर से ऑन पॉइंट ग्रेनेड जाएगा, लेकिन कुछ और ग्रेनेड जो है वो भी यहाँ पे फॉलो करेंगे। मुश्किल अब यहाँ पे सेंसे के लिए रिवाइव कर पाना, मवी जो है वो थोड़ा आगे की तरफ जाएंगे। अभी जब थोड़ी देर पहले स्काउट के साथ एक इंटरव्यू था उसमें भी उन्होंने बोलता कि मवी जो है वो जो क्लोज रेंज बीस्ट वाला एक सिनेरियो है वो अब यहाँ पर वो बनते हुए नजर आएंगे, क्योंकि क्लोज रेंज में ऑब्वियसली मवी जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलते हैं। एंड लेट्स सी कि अब यहाँ पर जो क्लोज रेंज का कॉम्बैट है वो किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं, शॉफ होते हुए नजर आ रहे। तो टीम फॉरएवर की जो मुश्किल है वो अब यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ रही है, और ये जो फाइट है वो नीचे हो चुके हैं। वेस्ट बोलते वहां पर लेब्रॉन जो है उनका फिनिश कर लेंगे सिक्योर। टीम फॉरएवर, ये टीम रुकने का नाम नहीं ले रही, और इनको रुकना आता भी नहीं। आप देखिए अब ये काफी ज्यादा मुश्किल रहने वाला है, क्योंकि एक खिलाड़ी काफी ज्यादा लो ऑन एचपी है, सविता यहां पर एक बार फिर से आते हुए जो टॉप फ्रैगर की लिस्ट है उसमें अपना नाम और भी ज्यादा ऊपर लेकर के जाने की पूरी कोशिश रहने वाली है। लेकिन हाइड्रा ऑफिशियल की जो पोजीशनिंग है, मेरे ख्याल से इन दोनों की फाइट में जो फाइनल लाफ है वो इट माइट बी पॉसिबल टीम हाइड्रा ऑफिशियल, लेकिन इनका एलिमिनेशन हमें देखने को मिल जाएगा। टीम सोल बीसी के साथ एलिमिनेट हो तो इस पर्टिकुलर मैच से स्काउट यहां पर कुछ बढ़िया स्प्रेस देंगे, कनेक्शंस बनाएंगे, पहला जो फिनिश है वो आता हुआ इस पर्टिकुलर टीम। मवी डाउन हो जाएंगे सेंसे के द्वारा, और अब टीम एक्सो जो है वो जरूर से एक पुश करना चाहिए, लेकिन उससे पहले कुछ ट्रेबल्स का जो इस्तेमाल है वो हमें देखने को मिलता हुआ। यहां पे स्काउट जो है वो मैक्सिस को स्पॉट करके काफी ज्यादा स्ट्रेट आउट करने में कामयाब हुए, लेकिन ऊपर की तरफ से सवितार मौजूद थे जो उनको डाउन करेंगे। टीम एक्स पार्क अब एक एक करके यहां पर बिखरते जा रहे हैं। गिल अभी के लिए आगे की तरफ जरूर से मौजूद है, आगे टीम एक्सो के तीन खिलाड़ी क्लोज इन करने के लिए बिल्कुल तैयार, लेकिन यहां पर काफी खूबसूरती से जो रिवाइवल है वो एग्जीक्यूट किया जा रहा है। क्या रिवाइवल एग्जीक्यूट हो पाएगा वो देखने वाली बात है। गिल यहां पर एक स्पॉट करके डाउन करेंगे, लेकिन कुछ भी डाउन हो जाएगा। यहां पर टीम एक्सो क्योंकि अभी थोड़ा लोअर रेंज वाले एरिया में उनको मुश्किल पहुंचाते हुए अल्ट्रॉन यहां पे जो फिनिश है वो भी सिक्योर करेंगे, और अब देखते देखते टीम एक्सो टोटली बैकफुट पर आ चुकी है, क्योंकि एकमात्र खिलाड़ी यहां पर बचता है जो कि नीचे के नीचे मौजूद है। अल्ट्रॉन के बात करें वो राइट साइड से जा रहे हैं, पॉट करा कुछ स्प्रे दिया, और अब कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है टीम एक्सो के आखिरी खिलाड़ी के पास, उनको यहां पर एलिमिनेट होना ही पड़ेगा। टीम एक्स पाक अभी भी सर्वाइव करेंगे तीन खिलाड़ियों के साथ, और फिनिशेस अब उनकी झोली में आना स्टार्ट हो चुके, लेकिन एक टीम इनके बहुत करीब, नाम है टीम फॉरएवर। जी हाँ बिल्कुल, ये फाइट होने ही वाली थी। सवितार ऊपर से आ चुके हैं, मैक्स का ऊपर से आ चुके हैं, उनको पता है थर्ड पार्टी करने का बेहतरीन मौका है, बट यहाँ पर मवी को पहले स्पॉट किया, जो प्लेयर नीचे रिवाइव हुए थे उनको स्पॉट नहीं कर पाए, पूरा मौका मिला वहाँ पर टीम एक्सपा को। सवितार अभी भी इस बात से अनजान है कि वहाँ पर मवी प्रेजेंट है, अल्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसका पूरा फायदा उठाते हुए टीम एक्सपा डोमिनेट कर रही है। एंड ये मैंने प्रिडिक्ट भी किया था थोड़ी देर पहले कि जैसे ही ये रोटेशन स्टार्ट होगा टीम फॉरएवर खत्म होगी। टीम एक्सो वहाँ पर अच्छा हाइट का एडवांटेज है, पर क्या डिलीवर कर पाएंगे वो एक देखने वाली बात रहेगी। ट्रिगर यहाँ पर जो पुश आगे की तरफ आ रहा है टीम हाइड्रो ऑफिशियल का, उसको अभी क्लियर रोक करके बैठे हुए नगर ऑलरेडी डाउन है लेफ्ट साइड से, जो प्लेयर वो जरूर से आगे की तरफ आ सकता है। ट्रिगर की कंधों में बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन वहां पर बिलीव जो है उनका साथ देने के लिए जरूर आ जाएंगे। पाव किलो जो कि सोलो मैन स्टैंडिंग थे, उनका जो फिनिश है वो भी सिक्योर हो जाएगा। फाइनली टीम ओरैंगटैंग जिसके लिए जाने जाते हैं, जिस गन पावर के लिए जाने जाते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे बट वो आ नहीं रहे। एक ओपी भी खत्म होते हुए टीएसएम प्रबल दावेदार बनती हुई इस गेम में, तीन प्लेयर उनके पास बचे हुए। ट्रिगर लो ग्राउंड पे थे, एक्वानॉक्स हाई ग्राउंड पे थे, उसका पूरा फायदा उनको मिला, डैमेज काफी ज्यादा दिया है, बट निंजा वहां से क्या अपनी टीम को कपल कर पाएंगे एक बड़ा सवाल रहने वाला है। टीएसएम के पास अभी भी 14 फिनिशेस हैं। शैडो उस तरफ डिस्ट्रो खत्म करते हुए एनटीएसएम तीन प्लेयर के साथ क्रूजिंग करते रहते, क्या बेहतरीन स्प्रे वहां पर निंजा की तरफ से आया, एश को भी डाउन करते हैं। रैंगटैंग गेमिंग एक एक करके यहां पर पत्तों की तरफ बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरी प्लेयर ट्रिगर क्या यहां पर स्पॉट होंगे, अभी तो उनका पोजीशन नहीं गया बट निंजा को स्पॉट कर लिया, एक बेहतरीन थ्रू द स्मोक स्प्रे आता है एंड इसी के साथ साथ रैंगटैंग गेमिंग हो जाती है खत्म। टीएसएम दो प्लेयर के साथ बची हुई है, एक्सपा के पास एक प्लेयर बचा, स्कारलेट गेमिंग के पास एक प्लेयर बचा, 2v1v1 का फाइट, अगला जोन 44 सेकंड्स अभी बचे हैं। टीएक्स किल, टीम एक्सपा किल, इनकी पोजीशन देखिए बहुत बेहतरीन पोजीशन, क्या यहां पर विनर विनर चिकन लेके जा सकते हैं। आप देखिए जोन जो है वो फिलहाल बिल्कुल ही परे जा चुका है, गमला बॉय की तरफ से बेहतरीन स्प्रे आता हुआ, एक प्लेयर को डाउन किया, 1v2 क्लच कर पाएंगे, लेकिन किल यहां पर आ जाएंगे और किल जो है वो यहां पे फाइनल लाभ लेके जा सकते हैं, क्योंकि अब एक 1v1 का सिनेरियो एक कन्वर्ट हो चुका है। टीम एक्सपा इज राइजिंग वंस अगेन, 8 फिनिशेस यहां पर उनके पास जा चुके हैं। बात करें गिल की तो उनके पास एक ही मात्र फिनिश बचता है, लेकिन गमला बॉय जो है वो यहां पर दीवार बन के जरूर से करें। गिल की अगर हम पोजीशन की बात करें तो वो अभी के लिए कंपैरेटिवली क्लोजर नजर आ रहे हैं सर्कल के, एक बहुत ही बढ़िया ग्रेनेड
जाएगा काफी ज्यादा क्लोज, लेकिन डिस्टेंस जो है वो भी यहां पर काफी ज्यादा रहने वाला है। जो अगर हम बात करें यहां पे गमला बॉय की, तो वो स्मोक्स करते हुए नजर जरूर से आ रहे हैं, और अब जो फाइनल फाइट है वो हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि जो जोन है उसका भी जो शिफ्ट है वो स्टार्ट हो चुका है। एकमात्र फर्स्टेड है गमला बॉय के साथ, और पूरी तरीके से वो हील्ड अप भी नहीं है। जोन के अगर बाहर जाएंगे तो उनको पता है कि बहुत मुश्किल में अपने आप को पाएंगे। गिल अभी भी वहां पर मेरे ख्याल से डटे हुए हैं, लगे हुए हैं, और उनकी हेल्थ में वो भी कमेंट किया गमला बॉय यहां पे कर पाएंगे जी नहीं। टीम एक्स पार्क यहां पर विनर विनर चिकन डिनर लेकर के जाएंगे। मैन एडवांटेज उनके पास नहीं था, जोन एडवांटेज उनके पास नहीं था, लेकिन उसके बावजूद टीम एक्स पार्क यहां पर जो स्पार्क है वो कन्वर्ट हो चुकी है। मार्कोस गेमिंग पूरी तरीके से बैकफुट पर, और इस फाइट को डिसएंगेज करना ही एक बेहतर ऑप्शन रह सकता है। मीनवाइल क्लजॉट ने स्पॉट करके शैडो को डाउन कर दिया, तो अब मार्कोस गेमिंग से हट के पूरा ध्यान जो है वो जा चुका है टीएसएन की तरफ। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें टीम एक्स पार्क की, तो फाइट जो है वो भी इनिशिएट हो चुकी है, और अब थोड़ा मुश्किल स्थिति में टीम एक्स पार्क हमें जरूर से नजर आ रहे हैं। यहां पर जो बाकी खिलाड़ी वो भी एनक्लोज करते हुए नजर आएंगे। एक प्लेयर जो नॉक्ड आउट है उनका जो फिनिश है वो जाएगा सिक्योर। टीम फॉरएवर वर्सेस टीम एक्स पार्क, दो टीम जो बहुत अच्छी फॉर्म में चल रही है उनकी यहां पर फाइट हमें देखने को मिलती है। सवितार जो कि हर बार काम आते हैं, हर बार तत्पर रहते हैं जब उनकी टीम को उनकी जरूरत होती है, क्या एक बार फिर से वही रोल अदा करते हुए नजर आएंगे, वो एक देखने वाली बात जरूर से रहेगी। और यहां पर ये जो टाइम बाय कर रहे हैं अपनी टीम के लिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। एक ग्रेनेड जो है वो जाएगा, क्या कनेक्शन बना पाएगा? शायद अभी के लिए जो कनेक्शन है वो उतना अच्छा बनेगा नहीं। अल्ट्रॉन की जो हेल्थ है वो जरूर से थोड़ी कम हमें देखने को मिलती है, लेकिन अब स्काउट ओपी जो है वो भी आ चुके हैं इस फाइट को, एंड यहां पे इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिलेगा। ये एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया फाइट, अब पूरी तरीके जो फाइट है वो इवन हो चुकी है। 3v3 का सिनेरियो हमें जरूर से देखने को मिल रहा है। अल्ट्रॉन के पास अभी भी एक अच्छा हाइट एडवांटेज, लेकिन सवितार यहां पर डाउन हो जाएगी, और इंस्टेंट पुश जो है वो यहां पर जरूर से आने वाला है। टीम फॉरएवर बैकफुट पर नजर आएंगे, क्या यहां पर जो बाकी के प्लेयर्स है वो क्लोजिंग करेंगे वो देखने वाली बात जरूर से रहने वाली। अल्ट्रॉन मीनवाइल यहां पर डाउन हो जाएगा, और अगर हम बात करें मैक्स कच की, व्हीकल्स उनके पास मौजूद है, डिसएंगेज अभी भी कर सकते हैं फाइट को, लेकिन अभी भी आगे की तरफ जा रहे हैं स्काउट वर्सेस मैक्स कच। एक 1v1 का यहां पे सिनेरियो देखने को मिल सकता है, लेकिन उससे पहले शायद जो प्लेयर नॉक्ड आउट उनका फिनिश जो है वो सिक्योर करने के लिए जाएंगे। बिल्कुल यहां पर खत्म किया गया मैक्स कच जो है वर्ल्ड रैंक खत्म करते, दोनों ही टीम यहां पर दो-दो प्लेयर गवा चुके हैं, बट मावी अंदर आएंगे एंड मावी डोमिनेट करेंगे यहां पर मैक्स कच, उनको खत्म कर दिया गया। टीम फॉरएवर डाउन टू द लास्ट प्लेयर। ये जो फाइट मुझे एंकी ऐसा लग रहा है ये टॉप ऑफ द टेबल के लिए फाइट है, बट यहां पर स्काउट को भी डाउन किया गया, एक के बाद एक ट्रेड, एक के बाद एक ट्रेड हमें दोनों ही साइड से नजर आ रही है। दोनों ही टीम्स अब ऐसा लग रहा है तीन प्लेयर से होने वाली है, स्काउट को खत्म किया जा सकता है। मावी यहां पर लेफ्ट साइड पर रोटेट करके जरूर जा रहे हैं, स्काउट ने उनको इन्फॉर्मेशन दिया है। ओवेस एक और ग्रेनेड कुक करते हैं, बट ग्रेनेड कुक करने के प्रोसेस में मावी को उन्होंने अलाउ कर दिया लेफ्ट साइड से रोटेट करके आने का। मावी बल्कि ओवेस जंप शॉट के लिए गए, बट ओवेस ने किस तरीके से उन्हें खत्म कर दिया। एक ग्रेनेड जरूर कुक हो रहा था, उन्होंने ग्रेनेड फेंका, बट कब उन्होंने गन पे स्विच किया, कब उन्होंने खत्म किया, बहुत बेहतरीन यहां पर ओवेस फाइट निकालते हैं, बट उनके भी तीन प्लेयर यहां पर खत्म हो चुके हैं। एक ऐसी फाइट जो कि पूरा टॉपसी डेवी था, ये होता है जब दो टॉप ऑफ द टेबल टीम देखें उनकी पोजीशन भी रिवील्ड, और वो वीकर लेकर के जाने की कोशिश कर रहे हैं। टीम एक्सो ने यहां पर कोई जरूर से कराए, टीम एक्सो के प्लेयर्स काफी ओपन में है, फियर्स को वापस स्पॉट किया गया, लेकिन यहां पर टीम ऑरेंज रॉक डाउन हो जाएगी, क्योंकि पीछे से एक बढ़िया कवर फायर आएगा टीम एक्सो की साइड से। 8 फिनिशेस उनके पास कर पाएंगे, ये ग्रेनेड क्या काफी होगा? जी हां काफी होगा, सेंसे की साइड से आएगा ग्रेनेड, और यहां पे टीम सोल का एलिमिनेशन हमें 8वें पायदान पर देखने को। फिनिश एक और स्प्रे आता हुआ, दूसरी तरफ से अगर बात करें एक्सो की, उनके भी चारों प्लेयर बचे हुए, पुकार को स्पॉट किया गया, डाउन किया गया, ये चीज मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था। स्काईलाइट गेमिंग यहां से कैसे निकलेगी, बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा परेशानियों में है, एंड अब इसकी रिक्वायरमेंट थी। गमला बॉय वहां पर फाइनली जिगोर को डाउन करते हुए, एंड उसी के साथ सर्कल के अंदर आ चुके हैं। आप फिनिशेस देखिए, ऑलरेडी 12 फिनिशेस हमें देखने को मिल रहे हैं टीम एक्सो के खाते में। क्लच गॉड जो कि स्पॉटेड थे वहां पे टीम राइवलरी के द्वारा, उनको यहां पे फिनिश ऑफ किया गया। टीम राइवलरी ने अपनी पोजीशन रिवील कर दी है, वो फिनिशेस के लिए तो जा रहे हैं, लेकिन अब यहां पर उनको भी जाना पड़ेगा सर्कल के अंदर। टीम गॉड लाइक एलिमिनेशन में देखने को मिल जाएगा, उनमें जाना है, जैसे उनके लिए निकलेंगे ये होने वाला है, पंक उनको स्प्रे डाउन करने वाले हैं। फाइनल को उसको वहां पर डाउन किया गया, अक्षय भी बचे हुए हैं, रिवाइवल के लिए अभी के लिए नहीं जा सकते। ग्रेनेड यहां पर काफी करीब आने वाले हैं, पंक अपना जो ग्रेनेड है वो कुक करते हुए काफी करीब वहां पर फेंकेंगे, फाइनल बॉस के बहुत ज्यादा करीब गिरने वाला है। रिवाइवल तो आएगा नहीं, डेल्टा पीजी भी नॉक हो जाएंगे, जिसकी मैं चर्चा करता हूं, उनको पता है आखिरी प्लेयर कहां होने वाले। लेफ्ट साइड पे ग्रेनेड किया, एक ब्लाइंड स्प्रे के लिए भी गए, अभी के लिए कनेक्ट नहीं हो पाया। अक्षय स्पॉटेड है, पंक से एक और ग्रेनेड आया, एक और स्प्रे आया, बट अक्षय की हेल्थ धीरे-धीरे कम जाती हुई, एंड यही जो उम्मीद थी मैं कर भी रहा था, जिस तरीके से फंसे हुए थे रिवाइवल के प्लेयर्स। टीम एक्सो एक विनर विनर चिकन डिनर लेके जाती हुई, शुरुआत से ही डोमिनेट कर रहे थे इस गेम में, यूरोप को बहुत देर तक डैमेज देते रहे। हैदराबाद हाइड्रास को 46 फिनिशेस एंड 33 पोजीशन पॉइंट्स एंड एक विनर विनर चिकन डिनर। बिल्कुल टीम गॉडलाइक ईस्पोर्ट्स को आप देखिए, आप बस उनके फिनिशेस की तरफ जाइए। के पास रहने वाले रंगीटैन गेमिंग 10वें पायदान पर 29